छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों के साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 371 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। बात रायपुर की जाए तो यहां पर 205 नए मरीज मिले हैं। वहीं भिलाई बीएसएफ जवान के साथ रायपुर में 4 पॉजिटिव मरीजों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही कवर्धा में 34, कांकेर में 21, राजनांदगांव में 23, मुंगेली में 16 मरीज मिले हैं। ऐसे में प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी कोरोना के संक्रमित मरीज लगातार मिलते जा रहे हैं। तो बीएसएफ जवान समेत 4 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार ये छत्तीसगढ़ में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 371 नए मरीजों की पुष्टि एक साथ छत्तीसगढ़ में, इसमें से 205 अकेले मरीज रायपुर में मिले हैं। रायपुर में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है और 3 दिन इस लॉकडाउन को हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोरोना की चेन है जो टूटने का नाम ही नहीं लेती और ये लगातार मरीजों का ग्राफ राजधानी में बढ़ता जा रहा है। 205 मरीज राजधानी में एक साथ मिले हैं, 371 पूरे छत्तीसगढ़ से 24 घंटे के अंदर। छह हजार 370 आंकड़ा हो गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, जिसमें 2000 के करीब मरीज एक्टिव हैं। एक्टिव केसों की संख्या है। लगातार छत्तीसगढ़ में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है और मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, लगातार कोरोना का कहर छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है, लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, 205 मरीज एक साथ राजधानी भोपाल से। अटक रहेगा बढ़ती जा रही है। 205 मरीज राजधानी रायपुर में अकेले मिले हैं। मेरे सहयोगी शिवम एक बार फिर से लाइव जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है शिवम, 205 मरीज अकेले राजधानी भोपाल से और 371 छत्तीसगढ़ से। 8 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है रायपुर में, लेकिन बावजूद उसके जो संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं उनकी जो रफ्तार है, उनका जो ग्राफ है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, बिल्कुल, देखिए लगातार एक बड़ी संख्या में, छत्तीसगढ़ में बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। बीती रात की बात करें तो लगभग 371 की संख्या में पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। उसके बाद राजधानी रायपुर में 205 की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। और इसके बाद मैं बता दूं कि आज राजधानी रायपुर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। राजधानी रायपुर नगर निगम को, बीरगांव नगर निगम को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। लॉकडाउन लगाया गया है, आज तीसरा दिन है लॉकडाउन का और प्रभावशाली लॉकडाउन रहा है ये 3 दिनों तक। यहाँ पर पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है। लगातार जो कंटेनमेंट जोन है, जिस इलाके पे बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, उन जगह पर पुलिस की कड़ी निगरानी है। ड्रोन के द्वारा निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा निगरानी रखी जा रही है, पुलिस कर्मियों के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बड़ी संख्या में असंक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, कोरोना का ग्राफ कम नहीं होने का नाम ले रहा है, तो ये बता सकते हैं कहीं ना कहीं कोरोना जो है कम्युनिटी स्प्रेड पर फैल चुका है। आए दिन लगातार निचले स्तर की बस्तियों में हर तबके के लोग, हर समाज के लोग यहाँ पर कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। लगातार कल बड़ी संख्या में शदानी दरबार में अगर बात करें तो एक साथ 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। भाटा गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, भाटा गांव से कुशालपुर, टिकरा पारा, और इसी के साथ ही आगे शदानी दरबार तरफ भी
पूरा इलाका संक्रमित हो चुका है। इसके साथ ही अगर बात बताना चाहूं तो लाखेनगर, इटका भाटा के साथ ही जो रामकुंड का क्षेत्र है वहां पर भी एक साथ लगभग दर्जनों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसे भी एक नया कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इन सब के पीछे अगर बात करें कि लगातार जो जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आए दिन एक नए आंकड़े संक्रमित मरीजों के पाए जा रहे हैं, राजधानी रायपुर पे पाए जा रहे हैं, बड़ा ग्राफ हो चुका है कोरोना का छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की जागरूकता में कमी है। लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित तौर पर लॉकडाउन पर जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को नहीं दे पा रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा ये अपील की जा रही है कि लोग अपनी भागीदारी निभाएं कोरोना संक्रमण से हमारे साथ, यहाँ पर लॉकडाउन नियमों का पालन करें। यहाँ पर निश्चित तौर से यही कारण है जो कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, जागरूकता की कमी भी लोगों के अंदर है और जागरूक हम सबको होना पड़ेगा, तभी कोरोना के कहर से इसको छुटकारा मिल सकता है। बहुत शुक्रिया शिवम तमाम जानकारी साझा करने के लिए।